prepared two column cash book of Tarun Kanpur and also journal entries from the following transactions. तो यहाँ पे heading देंगे cash book of Tarun, date particular LF cash bank cash bank date particular LF cash bank. Debit credit. ये अपन बना देते हैं जनरल एंट्रीज पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट जॉइंट ही बनाना पड़ेगा. ये अलग पेज को ना बेटा, एक पेज पे कैश बुक और एक पेज पे जनरल एंट्रीज. शुरू करते हैं बेटा. प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण कानपुर एंड आल्सो जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अप्रैल 2021. डेट में लिख दिया अप्रैल 2021. सब जगह पे अप्रैल 2021. डेट वन कैश इन हैंड 1200. जय कैश इन कहां पे रहेगा बेटा? कैश इन मतलब कैश बैलेंस. कहां पे लिखेंगे याद करो? डेबिट. डेट वन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश का कितना बैलेंस है बच्चों? 1200. सबका ध्यान बोर्ड पे बेटा, लिखने का काम बाद में. उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट पे 15000. मयूर बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाता है याद करो? बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट. डेट वन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक के कॉलम में कितना अमाउंट है? 15000. नेक्स्ट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20000 आउट ऑफ विच 16000 इज बाय चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट. टोटल 20000 लेके है जिसमें 16000 चेक से लेके है, तो बाकी 4000 कैसे लेके आएंगे अपन? कैश से. बेटा सर क्या क्या आएगा? 16000 चेक से आया और 4000 रुपया कैश में आया. सर बैंक डेबिट और कैश कैश ड्रॉइंग्स कैपिटल. ड्रॉइंग्स किससे हुआ बेटा? नहीं सर, सेविंग अकाउंट से आया ना. उसके सेविंग अकाउंट से पैसा हमको बिजनेस को देखना है. बिजनेस में पैसा आया तो मैंने क्या बताया कि अगर पैसा आता है तो कहाँ लिखते हैं अपन? डेबिट में. डेट कौन सी है? 3. क्या लिखेंगे? टू कैपिटल. कैश में 4000, बैंक में 16000. आगे बढ़ेंगे. जैनम परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ट्रेडर्स लखनऊ फॉर 3000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच एंड दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 200. अमाउंट वॉज पेड बाय चेक. क्रेडिट. क्रेडिट में डेट लिखेंगे 4 बाय परचेज. बेटा अमाउंट्स पे ध्यान देना. चेक से पेमेंट किया मतलब कहां पे लिखेंगे अपन? बैंक में. कितने के गुड्स परचेज किए अपन ने? 3000. 200 रुपया ट्रेड डिस्काउंट. पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा हमेशा. तो 2400 बैंक में, सॉरी 3000 माइनस 200, 2800. ठीक है बेटा. अब बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST. क्यों IGST? लिखा है बेटा, लिखा है ना, क्लियर लिखा तो है CGST SGST.
क्लियर लिखा था बेटा। हाँ 2800 का 6% इनटू 6/100 168, तो 168 आएगा सीजीएसटी और 168 हमारा एसजीएसटी। क्लियर हो बेटा मैं ट्रांजेक्शन क्लियर सबको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रुत्वी गुड्स परचेज फॉर कैश 4000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% क्रेडिट में। डेट चार बाय परचेज कितना अमाउंट है बेटा 4000 कैश में, फिर बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी कितना परसेंटेज है बेटा, तो 4000 का 6% मतलब 240। चलो बेटा मैं आगे बढ़ते हैं। ऋषिका सोल्ड गुड्स टू मोहन 5000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट 6% ईच। ऋषिका कहाँ जाएगा, क्यों जन एंट्री होगी, कैश या चेक लिखा नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ स्टूडेंट्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। जर्नल में लिखेंगे डेट कौन सी है बेटा, फिफ्थ। किसको गुड्स बेचे बेटा अपन ने, मोहन को। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स का अमाउंट बताइए बेटा 5000 टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी कितना है बेटा रेट 5000 का 6% 300 टोटल 5600 बेटा सबको, आगे बढ़ते हैं। डेट 5 के बाद 6 रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश 2450 अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज 50। अब नीचे देखो बेटा चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक लिखा है, तो मैंने आपको बताया हुआ बेटा कि जब किसी से चेक मिलता है और पीछे अपन को लिखा है कि हम लोग उनका चेक बैंक में भर रहे हैं, तो अपन उसको कहते हैं चेक इन हैंड। क्या कहते हैं बेटा, चेक इन हैंड। और सुनता कहां पे आएगा बेटा ये, लेकिन चेक इन हैंड है, अभी वो चेक आपने बैंक में डाला नहीं है, तो उसकी क्या होगी बेटा जनरल एंट्री। कौन सी डेट है बच्चों, 6th डेट। एंट्री क्या होगी ध्यान देना, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट है, कितने का चेक मेरा 2450 ₹50 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 50 टू किससे मिला चेक राकेश 25। सिक्स्थ डेट क्लियर बेटा सबको, कोई कंफ्यूजन सिक्स्थ डेट में, आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन दी बैंक, ये चेक बैंक में भरा, तो बैंक में मतलब अपने पास पैसा आया, आया मतलब डेबिट में लिखेंगे। डेट कौन सी है बेटा 10, 10th डेट लिखेंगे टू चेक इन हैंड 2450 बैंक। अपन को एक्चुअली कितने रुपए देने थे बेटा 750, अपन ने दिया कितना 680, तो अपन को 70 रुपीज डिस्काउंट मिला, काका मार कर अपन 70 रुपीज डिस्काउंट मिला अपन को, तो डिस्काउंट मिला तो उसकी यहाँ पे जनरल एंट्री होगी तेज प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट एट टू डिस्काउंट रिसीव 70। डेट 11 क्लियर बेटा, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ते। 12 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 5350 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट। अब अपन को देखो मोहन से कितने रुपए लेने थे बेटा 5600, उन्होंने अपन को कितने रुपए दिए बेटा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, कहां गया 5350, मतलब बाकी का क्या हो जाएगा बेटा
डिस्काउंट, पैसा दिया तो अपने पास पैसा आया, पैसा आया तो कहां लिखेंगे बेटा अपन, डेबिट। कौन सी डेट पे पैसा आया, क्या लिखेंगे, टू मोहन कैश में 5350। ठीक है बेटा, 5600 अपन को मोहन से लेने थे, 5350 उन्होंने दिया, बाकी डिफरेंस निकालो बेटा कितना डिस्काउंट आएगा, 250। उतना रुपया हमने उनको डिस्काउंट दिया, तो एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन 250। क्लियर बेटा सबको, कोई कंफ्यूजन ट्रांजेक्शन में, आगे बढ़ते हैं। मेशवा, an amount of 1000 due from Gupta brothers written off as bad debts in the previous year, पिछले साल हमने गुप्ता ब्रदर्स का 1000 रुपया बैड डेट्स कर दिया था, नाउ रिसीव्ड, अब मिला, पेशवा डेबिट। डेट कौन सी है बेटा, 16 2, क्या लिखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स का पैसा आया तो लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड 1000 रुपया कैश में। आगे बढ़ते हैं बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर रुपीज 200 जय डेबिट में, डेट कौन सी, 17 किसके बिहाफ पे, मनोहर, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मनोहर 200 रुपया कैश, मुरली ने दिया लेकिन किसके बिहाफ पे, मनोहर, तो अपन को एक्चुअली किससे पैसे लेने थे, मनोहर से, तो यहाँ लिखेंगे टू मनोहर 200 रुपये। फिर बेटा मैं आगे बढ़ते हैं, received a check for 800 from Mukesh which was endorsed to Nitin, एक जगह से चेक मिला दूसरी जगह पे अपने चेक दे दिया, तो अपने पास तो चेक रहा ही नहीं, तो उसकी कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, जर्नल एंट्री होगी, जर्नल करेंगे। कौन सी डेट है बेटा, 19 किसको चेक मिला, डेबिट दी रिसीवर, किसको चेक मिला, नितिन अकाउंट डेबिट टू, किसने चेक दिया बेटा, छोटू मुकेश, अमाउंट कितना बेटा, 800। डेट 19 क्या बेटा, कोई कंफ्यूजन, डेट 19 में बीइंग इज कैन ना बेटा, लेकिन सम कहां लिखूंगा कि चला ही नहीं है, वो तुम लोगों को लिखना है। आगे बढ़ेंगे बेटा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 700 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, डेबिट में, कौन सी डेट है बेटा, 22 फर्नीचर, कितने में बेचा बेटा फर्नीचर, 700 कैश के कॉलम में 2। स्टूडेंट जब सेल करते हैं बेटा तब क्या आ जाता है, आउटपुट 2 आउटपुट सीजीएसटी 2 आउटपुट विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 3000, बैंक से 3000 रुपया, 3000 क्या निकालोगे बेटा, बैंक से कैश, आपके पास कैश आया तो डेबिट में, कैश में 3000, बैंक से पैसा गया क्रेडिट में, बैंक में लिखेंगे 3000, यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्रा बाय कैश, और यहाँ पे कैश पे लिखा तो टू बैंक कॉन्ट्रा, डेट कौन सी बच्चों, फिर बेटा है नेक्स्ट 25 के बाद, फिर से 25 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस रुपीज 1000 एंड फॉर इनकम टैक्स रुपीज 500, जनम क्रेडिट करेंगे, बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट में 25 बाय ड्रॉइंग्स दोनों अमाउंट को प्लस करके 1500 बैंक के कॉलम। ओके बेटा नेक्स्ट, सुरेंद्र हु ओड रुपीज 400 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड 60 पैसा इन अ रूपी, हमको उससे 400 रुपया लेना था, उन्होंने 60 पैसा मतलब 60% पैसा दिया, 400 का 60% मतलब 240 रुपी, कहां लिखेंगे बेटा, डेबिट में, डेट कौन सी है, 28 2, किसने पैसा दिया बेटा, कैश में लिखेंगे 240 बेटा, ध्यान से समझना,
अब जो एक उसने तो 60% ही पैसा दिया, बाकी 40% तो पैसा गया। जब पैसा जाता है टाइम पे तो उसको क्या बोलते हैं मैडम? बैड डेट। तो इसकी होगी जनरल एंट्री 28 डे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू किसकी बैड डेट थी बेटा? सुरेंद्र डेबिट है, क्रेडिट हुआ ना यहाँ तो पैसा आया ना बेटा, पैसा आया ना हमको तो यहाँ तो कैश देख रहे हैं ना। सुरेंद्र से आपको कितने रुपए लेने थे बेटा? 400। उसने 60% मतलब 60% दिया तो पैसा आया अपने पास, इसीलिए कैश बुक में डेबिट में लिखा टू सुरेंद्र 240। 160 रुपए वो नहीं देगा जो अपनी बैड डेट्स है, इसीलिए उसकी एंट्री वहां पे होगी बैड डेट्स टू सुरेंद्र। ओके बेटा, डन हो स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं बेटा। रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस टू राम 3000 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2500 इन द बैंक। राम से 3000 रुपया मिला लोन का, उसमें से 25 हम लोगों ने बैंक में डाल दिया। कहां लिखेंगे ऋषि का? डेबिट में। नाम क्या है बच्चों? राम। कौन सी डेट है? 28। तो लिखेंगे टू राम्स लोन। बेटा ध्यान देना, कितना बैंक में भरा बेटा आपने? 2500। अब देखो इसको दो तरीके से आप लोग कर सकते हो। पहले 3000 कैश में लिखो, फिर 2500 बैंक में भरा तो उसकी कॉन्ट्रा करो। या एक सिंपल तरीका भी कर सकते हो, 2500 बैंक में लिखो और 500 कैश में लिखो। सिंपल क्लियर बेटा भाई? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ते हैं बेटा। टोटल 3000 मिला, आप दो तरीके से इसको लिख सकते हो। टू राम लोन 3000 कैश में लिखो, फिर 2500 बैंक में भरा तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट करो, बैंक टू कैश करके 2500 2500। या स्ट्रेट अवे आपने 2500 बैंक में भरा तो बैंक में 2500 लिखो और 500 रुपए कैश करो। क्लियर बेटा भाई? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। इसका ढंग ना भी पसंद है, कहां लिखेंगे? बैंक ने डेबिट किया है, क्रेडिट में लिखेंगे डेट 30 बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है बेटा? 75। बैंक ने डेबिट किया। देखो बैंक ने डेबिट किया का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे अकाउंट से पैसे निकाल दिए। बैंक कभी भी चार्जेस का जो अमाउंट निकाल दिया ना बेटा, वो आपको बोलती नहीं, डायरेक्ट आपके अकाउंट से निकाल ही देती है। तो हमारे अकाउंट से उन्होंने निकाल लिए, निकाल लिए मतलब हमारा पैसा गया, इसीलिए हम लोग उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट बैंक के कॉलम में 370। क्लियर बेटा है? आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू। डिपॉजिटेड विद द बैंक बैलेंस अमाउंट आफ्टर रिटेनिंग कैश इन हैंड रुपीज 2000। 2000 हमने हमारे पास रखा, बाकी सारे पैसे हम लोगों ने कहां भर दिए? बैंक में। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी इस ट्रांजेक्शन की ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग कैश का डेबिट का टोटल करेंगे बेटा। 16,274 रुपीस टोटल कैश आया है। 18,774 है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, बराबर है। माइनस कैश का क्रेडिट, अब कैश के क्रेडिट में 4,200, 4,400, 40, 80, 81, 60, 5,160 माइनस करो बेटा। तो 4,400 से 6 गया 11,140। मतलब कैश के डेबिट में आपके पास इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, बचा 11,114, उसमें से कितना रुपया आप अपने अपने पास रख रहे हो? 2000। ये माइनस बैलेंस 2000, तो बाकी 9114 इतने पैसे आपने बैंक में
भर दिए। अब बैंक में भरे तो बैंक में पैसा आया, तो डेबिट में लिखेंगे बैंक के कॉलम में 9114 कैश गया, तो क्रेडिट में कैश में 9114 बाय कैश में गया तो क्या लिखेंगे बाय बैंक, और यहाँ पे बैंक में पैसा आया तो लिखेंगे टू कैश। कंसेप्ट क्या बेटा, कोई कंफ्यूजन? अब टोटल किस तरीके से होगा बेटा, कैश का डेबिट का टोटल करेंगे 16,274, वही रखेंगे क्रेडिट में 16,274, डिफरेंस निकालेंगे 2000 बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड डेट 30। क्लियर हो बेटा भाई, कोई कंफ्यूजन? अब ऐसे ही बैंक का टोटल करेंगे 16 और 2 18 2 20 29,000 30,064 यहाँ पे। अब इसमें से 15 और 2 17, 17 और 3 20 और 1 21,000 हंड्रेड्स में देखें 800, 900, 1000, 1000 और 500, 1500, 15 और 3 1800 फिर 60, 60, 120, 136 and 75 7,053 बैलेंस आ रहा है आगे। आप अगर ऐसा करते हो तो भी चलेगा, ये करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये मे वन यहाँ पे लिखेंगे मे वन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 कैश में 7,053 बैंक। समझ गया बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन सब में? खत्म कर दो बेटा सब।
जैसे अपन ने जो प्रिंसिपल्स पढ़े बेटा गोइंग कंसर्न और वो सारे प्रिंसिपल पढ़े, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरव्यू लेने वाले बहुत खतरनाक होते हैं बेटा, हमको लगता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है ना वो तुम जज नहीं कर सकते। इंटरव्यू हुआ था एचडीएफसी में, उसने अपने सीवी में रिज्यूमे में लिखा था हॉबीज में रीडिंग। उसने इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई क्या रीड करते हो, मैं बुक्स रीड करता हूँ। अच्छा कौन से ऑथर की बुक्स रीड करते हो, उसने ऑथर का नाम बताया, मैं क्या ऑथर की बुक्स रीड करता हूँ। तो बोले अच्छा उस ऑथर की सबसे फेवरेट बुक बता दो, उसने नाम बता दिया कि ये मेरी फेवरेट बुक है। उस बंदे ने उस बुक में से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। इंटरव्यू खत्म हुआ, सिलेक्ट हो गया मेरा फ्रेंड। उसने बोला कि जिस ऑथर की आप बुक्स रीड करते हो वो ऑथर को वो खुद था ऑथर जो उसका इंटरव्यू ले रहा था जिसकी वो बुक पढ़ता था, सिलेक्ट हो गया ना वो, इंप्रेस हो गया ना बेटा वो उसका, तुम बुक पढ़ रहे हो तो वो तो ऑथर इंप्रेस होने वाला, और सब करेक्ट आंसर दिए, गलत नहीं बोला उसने। ऐसा नहीं कि मैं फेंका मार दिया मैं पढ़ता हूँ बुक, ऐसा नहीं, जो है फैक्ट है वो फैक्ट करो। हाँ बेटा